नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली होता क्या है। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी मैटर को या किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करके अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं किसी पैराग्राफ को या किसी लाइन को हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि वो मुझे अलग से दिखाई दे, मेरी नज़र सबसे पहले उसी चीज़ पर पड़े, तो उन जैसी चीज़ों के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके इस डॉक्यूमेंट में आपको पोएम ऐड करनी है, पोएट्री ऐड करनी है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे फॉर्मेट आपको टेक्स्ट बॉक्स से नज़र आएंगे, जिसमें से आप किसी भी फॉर्मेट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी टाइप कर लिया, मान लीजिए हमने इसमें ये टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आप इसे जहाँ पर भी मूव करना चाहें आप इजीली इसे मूव कर सकते हैं या फिर आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसे बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो आप इसे अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके किसी भी कॉर्नर पर जाना होगा, आपको ये निशान दिखाई देगा, इसे पकड़ करके आप जहाँ भी इसे मूव करना चाहें आप इसे ईजिली यहाँ पर उसे रख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। शेप फॉर्मेट का आपके सामने एक यहाँ पर टैब खुलकर आ जाएगा। इन सभी ऑप्शन के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि इन सभी ऑप्शन को मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम चले जाते हैं वापस से इंसर्ट टैब में और वापस से टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा ड्रॉ बॉक्स का। ड्रॉ बॉक्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर प्लस का एक निशान दिखाई देगा और प्लस के निशान की मदद से आप यहाँ पर कोई भी बॉक्स अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। अपने हिसाब से जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, हमने बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर अब जो लिखना चाहें, मान लीजिए हम इसमें भी वही टाइप कर देते हैं और इसमें टाइप करने के बाद आप इसको भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से पिछला वाला टेक्स्ट बॉक्स हमने यूज़ किया था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने न्यू बॉक्स ड्रॉ किया है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो रहा। अगर हम इसको मूव करते हैं कहीं पर भी ले जा करके तो हमारा ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आपको यूज़ करना होगा। इनमें से काफ़ी सारे आपको टेक्स्ट रैप दिखाई देंगे जिसमें से आप कोई भी टेक्स्ट रैप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर यूज़ किया टाइट। टाइट यूज़ करने के बाद आप इसे ईजिली कहीं पर भी मूव करेंगे तो ये आसानी से आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर मूव हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट भी आपको दिखाई देंगे जिसमें से आप इसे हाईलाइट करने के लिए किसी भी फॉर्मेट या किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट हो वो अलग से आपको हाईलाइट करके यहाँ पर रिप्रेजेंट हो। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर खुद का अपना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके उसको इसमें सेव करके रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम सभी मैटर को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ से इंसर्ट टैब के शेप वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम इसका कोई कलर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए हमने ये कलर इसका सेलेक्ट किया और इसके बाद आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप एड टेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसमें कुछ टाइप भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेल इन्फोटेक। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं चाहता हूँ कि हमारी गैलरी में सेव हो जाए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इसको जब भी चाहूँ तो उसको यूज़ कर सकूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पर जाना होगा, यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स पे जाना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा जिसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहें वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा गैलरीज में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स है या फिर कोई टेबल है या फिर कोई वाटरमार्क है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इसलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो किस कैटेगरी का है, तो यहाँ से आप जो भी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप कोई नई कैटेगरी खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा और उसके अंदर आप अपनी कैटेगरी का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कैटेगरी का नाम दे दिया हेडिंग
हेडिंग नाम देने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कैटेगरी यहाँ पर हेडिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल ओके पर क्लिक करना है, आपका ये टेक्स्ट बॉक्स इसकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब इसको आप निकाल के यहाँ से सकते हैं, मैं इसको सबसे पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको जाना होगा टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ से जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर कैटेगरी आपको दिखाई दे जाएगी, हेडिंग की कैटेगरी, और हेडिंग में जिस नाम से आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, मोर टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम office.com। इसके लिए हम सभी बॉक्सेस को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और वापस से टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो मोर टेक्स्ट बॉक्सेस पर हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अलग से हमें office.com की तरफ से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसका भी आप इजिली यूज़ कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी पोएम के लिए या किसी पोट्री के लिए या किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली इस तरीके से हम इंसर्ट टैब के टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड 2019 में आप ऑटो टेक्स ऑप्शन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यदि आप किसी भी टेक्स को या किसी इमेज को परमानेंट एमएस वर्ड में स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि ज़रूरत होने पर एक शॉर्ट वर्ड की सहायता से उस डॉक्यूमेंट में जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकें तो उसके लिए आप ऑटो टेक्स ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऑटो टेक्स एक तरह से एमएस वर्ड का एक शॉर्टकट फीचर है जिसकी मदद से एक ही तरह के टेक्स्ट को बार बार टाइप करने से बचा जा सकता है। इसकी सहायता से आप कंपनी लोगो, कंटेंट, इंफॉर्मेशंस, डिस्क्लेमर जैसी डिटेल्स जिनकी आपको हर बार ज़रूरत होती है उन्हें बड़ी सरलता से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स ऑप्शन लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि ऑटो टेक्स में जब आप चाहेंगे तभी टेक्स कॉपी होगा, जबकि ऑटो करेक्ट बिना आपसे पूछे अपने आप ही यह चेंजेस कर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और नीचे हमने एक स्टोरी लिखी है और हमें बार बार इस इंट्रोडक्शन को लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में आपको राइट साइड में टेक्स्ट वाले मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके ऑटो टेक्स्ट फीचर पर जाना है। ऑटो टेक्स्ट फीचर पर जाने के बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर नेम का एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको वो नाम देना है जो कि आप इस मैटर को देना चाहते हैं, यानी कि ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है तो इसलिए हम इसको नाम दे देंगे इंट्रोडक्शन। आप अपने हिसाब से जो भी मैटर का नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा गैलरीज का। गैलरी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जैसे कि हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, वाटरमार्क्स। इनमें से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। ऑटो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कैटेगरी का। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी जैसे जर्नल, स्टोरी या सामान्य की। इसमें से आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू कैटेगरी का। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का नाम दे करके उसको ऐड करा सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई हुई है जो कि स्टोरी के नाम से है तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्टोरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पर सेव हो जाएगा।
सेव करने के बाद आप जहां पर भी इस इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहां पर आपको अपना नाम देना होगा, जो नाम आपने यहां पर सेव किया था। तो हमने नाम दिया था इंट्रोडक्शन। जैसे हम यहां पर 3 से 4 वर्ड टाइप करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज में आपके सामने लिखा होगा कि जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो पूरा इंट्रोडक्शन जो कि आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मैटर को ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी हिस्ट्री देखनी है कि आपने कितने मैटर्स को यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको इसी ऑप्शन पर फिर से जाना होगा, यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट पर जाना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के नाम से यहाँ पर एक मैटर सेव करके रखा हुआ है जो हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी उस मैटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका नाम या कैटेगरी को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वापस से उसी ऑप्शन पर जाना होगा, ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन पर जाना होगा, और जो आपने गैलरी यहाँ पर सेव की है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडिट प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन। एडिट प्रॉपर्टी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी और इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहें, जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें, वो आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप कैटेगरी चेंज करना चाहें या फिर गैलरी चेंज करना चाहें या फिर इंट्रोडक्शन का कोई नाम यहाँ से चेंज करना चाहें, तो तीनों काम को आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2019 में आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑप्शन का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? यदि आप किसी भी टेक्स्ट को परमानेंटली एमएस वर्ड में स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट, कोई ऑथर, कैटेगरी, कोई कमेंट, किसी कंपनी का नाम, कोई ईमेल, कोई फ़ोन नंबर, कोई भी टाइटल या किसी भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उस वर्ड को कहीं पर भी आसानी से इंसर्ट कर सकें, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एक तरह से एमएस वर्ड का शॉर्टकट फीचर है, जिसकी मदद से एक ही तरह के टेक्स्ट को बार बार टाइप करने से बचा जा सकता है। इसकी सहायता से आप कंपनी नेम, कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, पब्लिश डेट जैसी डिटेल्स जिनकी आपको हर बार ज़रूरत होती है, उन्हें बड़ी सरलता से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए आपको जाना होगा एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में। यहाँ पर आपको टेक्स्ट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का। इसमें आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट, किसी ऑथर का नाम, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी, कंपनी एड्रेस, ईमेल, फैक्स, फ़ोन नंबर, कीवर्ड्स, मैनेजर, पब्लिश डेट, स्टेटस, सब्जेक्ट और टाइटल। इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस वर्ड को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑथर पर क्लिक किया, ऑथर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ आ गया। इस एडमिन को हमने यहाँ से कट कर दिया और कट करने के बाद यहाँ पर हमने अपना नाम टाइप कर दिया, जैसे विनोद कुमार पांडे। अब इसके बाद इस वर्ड को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और जब भी मुझे ये नाम दोबारा चाहिए होगा तो मुझे उसी ऑप्शन पर जा करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके यहाँ पर सिर्फ ऑथर को सिलेक्ट करना होगा। आप देखेंगे वो नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं कंपनी का नाम। कंपनी नेम में हमने यहाँ पर टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। इसके बाद हमने इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जब भी हमें कहीं पर कंपनी के नेम की ज़रूरत होगी और हमें वो कंपनी का नाम यहाँ पर चाहिए होगा तो हम अपनी प्रॉपर्टीज़ में जा करके सिर्फ हमें कंपनी नेम को सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम कंपनी पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा कंपनी का नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा।
इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ। आप वापस से प्रॉपर्टीज़ में जाइए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ से हम ले लेते हैं किसी भी मैनेजर का कोई भी नाम। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया मोहन सिंह, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद कहीं पर भी मान लीजिए हमने एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बीच में अगर मुझे मैनेजर का नाम इंसर्ट करना है तो मुझे सिर्फ उस जगह पर क्लिक करना होगा और वापस से प्रॉपर्टीज़ में जा करके यहाँ से मुझे मैनेजर को क्लिक करना होगा। मैं जैसे ही मैनेजर पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे मोहन सिंह यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड 2019 में आप फील्ड ऑप्शन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यदि आप अपने द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट में किसी फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि फाइल का नाम, पेजेस, वर्ड, कैरेक्टर्स, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा, तो आप फील्ड ऑप्शन की मदद से जान सकते हैं। बस आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 की कंप्यूटर के लिए, और यदि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस FN की के साथ आपको F9 प्रेस करना होगा और आपके सामने इस तरह का एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। आपको केवल इस ब्रैकेट के अंदर फील्ड्स का कोड टाइप करके F9 दबाना होगा। आपके फील्ड की जानकारी आपको दिखाई दे जाएगी। चलिए अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि MS Office, CorelDRAW, Photoshop, TeleProime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फील्ड ऑप्शन का यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ फील्ड्स लिखी हुई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, कुछ फील्ड कोड्स लिखे हुए हैं। इन कोड्स को कहाँ से फाइंड किया जाता है, इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट मेन्यू के अंदर जा करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसमें आपको फील्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस फील्ड ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे कोड्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपने फील्ड को रिप्रेजेंट कराएंगे। तो इसके लिए हम इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ से कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब ये जो हमने फाइल बनाई है इस फाइल का नाम क्या है, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं इस फील्ड को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने के बाद जो भी हमने यहाँ पर फील्ड कोड लिखा है वही फील्ड कोड यहाँ पर हमें टाइप करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ फाइल नेम। फाइल नेम लिखने के बाद जैसे आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 तो आप देखेंगे इस फाइल का नाम आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, जबकि इस फाइल का नाम हमने क्या लिखा है, फील्ड्स लिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमने इस फाइल का नाम फील्ड्स लिया हुआ है, तो वो फाइल नेम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल पेजेस कितने यूज़ हुए हैं तो उसके लिए भी आप इस फील्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप फील्ड कोड का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा इसी ऑप्शन पर, और यहाँ पर फील्ड को सिलेक्ट करके इसका जो फील्ड कोड है वो है नम पेज। तो यहाँ से हमें सर्च करना होगा नंबर ऑफ पेजेस। नम पेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना होगा। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 2 लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पेजेस का यूज़ कर रखा है। ये देखिए फर्स्ट पेज वो है और सेकेंड पेज हमारा ये है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने टोटल वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं तो वर्ड्स के लिए भी आप इसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, वापस से इसी ऑप्शन पर जाते हैं, और इसका जो फील्ड कोड है वो है नम वर्ड। नम वर्ड को सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टोटल वर्ड्स यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर फील्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F9, और यहाँ पर आपको इज इक्वल टू यूज़ करना है। जो भी वैल्यू आप प्लस या माइनस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे मैंने 25 प्लस 6 कर दिया और माइनस 2 कर दिया। इसके बाद जैसे ही मैं F9 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप फील्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा MS Word में फील्ड ऑप्शन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे MS Word 2019 में आप किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं।
यह एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर एमएस वर्ड के सभी प्रकार के फॉर्मेट्स जैसे कि ऑटो टेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, कवर पेजेस, टेबल, इक्वेशंस इत्यादि के फॉर्मेट्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। इन सभी फॉर्मेट्स को आप अपने हिसाब से एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाकर क्विक पार्ट गैलरी में सेव करते हैं तो वह भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को भी आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपको एक्सप्लोर क्विक पार्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको सभी फॉर्मेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपके टेबल्स हों, चाहे वो आपके इक्वेशंस हों, सिम्बल्स हों, वाटर मार्क्स हों या फिर आपके हेडर एंड फुटर्स हों। तो इनमें से आप इन सभी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली आप यहाँ पर एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कवर पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कवर पेजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से किसी भी कवर पेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने इस वाले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा वो फॉर्मेट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया और इसके बाद यहाँ पर हम इसका टाइटल ऐड करके इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने टाइटल में टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक लिखने के बाद इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडमिन। एडमिन में आप जो भी ऑथर का नाम देना चाहें वो एडिट कर सकते हैं, कोई कंपनी का नाम अगर देना चाहें वो एडिट कर सकते हैं और अपनी कंपनी का एड्रेस देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस कवर पेज का यूज़ कर सकते हैं। यही फीचर आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पर दिखाई देगा। इस कवर पेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिखाई देंगे। इन फॉर्मेट्स का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको और ज़्यादा फॉर्मेट्स चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कवर पेजेस मिलेंगे, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इक्वेशंस की तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इक्वेशंस नज़र आ रहे हैं। इनमें से आप कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सब कुछ डिलीट कर दिया और इसके बाद हम चले जाते हैं वापस से उसी ऑप्शन पर और यहाँ नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर इक्वेशंस। इसमें से कोई भी इक्वेशन आप सेलेक्ट करके जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आपका वो इक्वेशन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें एडिट करके इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम वापस से इसी ऑप्शन पर जाते हैं और उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे, आपको यहाँ पर हेडर और फुटर भी दिखाई देगा। आप इसका भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर टेबल्स भी दिखाई देंगी, जिसमें से आप किसी भी टेबल फॉर्मेट को सिलेक्ट करके उसको भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने इस वाली टेबल को यहाँ पर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं, एडिट प्रॉपर्टी का और डिलीट का। आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आपका ये डेटा डिलीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये दिखाई नहीं देगा। और एडिट प्रॉपर्टी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी के साथ वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे गैलरीज में यहाँ पर हमने फॉर्मेट दिया हुआ है टेबल्स का, कैटेगरी में हमने बिल्डिंग दिया हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से मान लीजिए हमने इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके इंसर्ट किया, इंसर्ट करते ही आपके सामने टेबल का फॉर्मेट इंसर्ट हो गया। आप इसको एडिट करके यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट टैब में अगर आप जाएंगे तो यही सभी टेबल के फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्विक टेबल्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आपको दिखाई देंगे। अब इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेट्स चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसी जगह पर और भी एक्स्ट्रा फॉर्मेट्स दिखाई देंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ करना चाहते हैं या फिर हमने कोई स्टोरी लिखी है आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हेलो के नाम से हमने यहाँ पर एक ऑटो टेक्स्ट तैयार किया हुआ है, जिसको भी आप जब चाहें तब इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो हमारी स्टोरी इंसर्ट हो गई। हम इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देते हैं और फ्रेशली आपको इंसर्ट करके दिखाते हैं। यही फीचर आपको देखना है तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमने ये हेलो के नाम से स्टोरी लिखी है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो स्टोरी यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। सेम एज इट इज़, इसी तरीके से आप इस फीचर पर जा करके भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो वही सेम डाटा आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट
हो जाएगा। तो कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी फॉर्मेट्स हैं जो कि हमारे एमएस वर्ड हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कि आप इन फीचर का यूज़ करके इसमें एडिटिंग करके अपना कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, तो उसका सभी फॉर्मेट आपको एक जगह पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी फॉर्मेट्स दिखाई देंगे, फिर चाहे वो आपका वाटरमार्क क्यों ना हो। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिखाई देंगे, ये सभी टेक्स्ट बॉक्सेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वाटरमार्क भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन वाटरमार्क का भी आप अपने हिसाब से एडिट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और वाटरमार्क अगर आप देखेंगे तो आपको जाना होगा डिज़ाइन टैब के अंदर और यहाँ पर आपको वाटरमार्क दिखाई देगा जिसमें आपको सिर्फ चार फॉर्मेट दिए हुए हैं वाटरमार्क्स के। इसके अलावा इसमें आप एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग भी कर सकते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जा करके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप वहाँ से वाटरमार्क को इंसर्ट करके उसमें भी आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस को आपको जा करके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह से उन सभी फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। यही ऑप्शन है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ड आउट ऑप्शन एक्चुअल में आपको मिलता कहां पे है। आपको इसके लिए जाना होगा एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर और यहां पर आपको दिखाई देगा वर्ड आउट का एक ऑप्शन। अब बेसिकली वर्ड आउट ऑप्शन यूज किस लिए किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। वर्ड आउट ऑप्शन बेसिकली यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए या किसी भी टेक्स्ट को एक अट्रैक्टिव वर्ड बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप एमएस वर्ड में आप किसी हेडिंग को या किसी भी नाम को एक अट्रैक्टिव वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वर्ड आउट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिखाई देंगे जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग स्टाइल्स के वर्ड्स हैं, जिसमें से आप किसी भी वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि टाइप योर टेक्स्ट, यानी यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एक्सेल इन्फोटेक। इसके अलावा अगर आप फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट मिलेंगे जिसमें आप फॉन्ट के स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम फिलहाल उसी फॉर्मेट को रहने देंगे। यहाँ से आप चाहें तो साइज़ को भी आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। बोल्ड या इटैलिक करना चाहें तो उसे भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप और ओके पर प्रेस करेंगे आप तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट था वो एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब ये देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली इसको आप हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे ही इस वर्ड पे आप डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जिसकी मदद से आप इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि MS Office, Corel Draw, Photoshop, TeleProime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एडिट टेक्स्ट की। अगर आप पहला ऑप्शन एडिट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो आप वापस से इसमें कोई एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये है स्पेसिंग, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से इसके अंदर स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हमारा जो वर्ड है वो काफ़ी चिपका हुआ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जितना भी आप लूज़ करना चाहें उतना लूज़ आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसके स्पेसिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको टाइटली वर्ड ही रखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा इवन हाइट का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने सभी टेक्स्ट की हाइट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन दिखाई देगा वर्ड आर्ट वर्टिकल टेक्स्ट। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये वापस से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अलाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स को लेफ्ट या राइट सेंटर एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसमें किसी भी वर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ तो बेसिकली ये वर्क नहीं कर रहा। ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें अभी हमने सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है। जब इसमें हम तीन चार लाइन लिख लेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन हमारा काम करेगा। यानी बेसिकली इस ऑप्शन के लिए आपके पास तीन से चार लाइनें होनी चाहिए। तो उसके लिए हम वापस से एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और इसके नीचे हम एक लाइन को और ऐड कर देते हैं, जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और उसके बाद हमने कर दिया इसको ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे हमारी यहाँ पर दो लाइनें आ चुकी हैं। इसके बाद हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया लेफ्ट अलाइन तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट था वो लेफ्ट साइड में एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप सेंटर करना चाहें तो सेंटर पे कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके सामने काफ़ी सारे अलाइनमेंट दिए हुए हैं जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जस्टिफाई वगैरह का। तो फिलहाल हम इसको लेफ्ट अलाइन रखते हैं
और वापस से एडिट टेक्स्ट में जाकर के हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को वापस यहाँ से हटाकर ओके कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे वर्ड आर्ट स्टाइल्स के। इसमें से अगर आप कोई इसका स्टाइल वापस से बदलना चाहते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका स्टाइल ऑटोमेटिक वापस से चेंज हो जाएगा। इसमें बहुत सारे आपको स्टाइल दिखाई देंगे जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएगा शेप फिल्स का। इस शेप फिल का यूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इसमें कलर्स फिल करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी जो इसमें बाय डिफॉल्ट कलर है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कलर्स हैं। इनमें से कोई भी कलर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका देखेंगे आप कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक मोर फिल कलर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें से आप कोई कलर खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं उसके बाद उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नीचे की तरफ हम बात करें तो आप चाहें तो इसके अंदर कोई पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इसके लिए हम वापस से उसी फॉर्मेट को यूज़ कर लेते हैं। उसी फॉर्मेट को यूज़ करने के बाद हम वापस से चले जाते हैं इसी ऑप्शन पर और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पिक्चर वाला ऑप्शन। पिक्चर फॉर्मेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी फाइल अपने सिस्टम में से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो बिंग सर्च में से निकाल सकते हैं या फिर आपके अगर ड्राइव पर सेव है तो वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बिंग सर्च का यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएंगी। ये इमेज तभी आएंगी जब आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होगा। तो इसके बाद यहाँ से हम किसी भी इमेज को यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस कैटेगरी से रिलेटेड आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने इमेजेस रिप्रेजेंट हो जाएंगी। इनमें से कोई भी इमेज आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया हमने इसे इंसर्ट। जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेने के बाद वो इमेज हमारे इस टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट हो गई है। आप देखेंगे ध्यान से, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वो इमेज हमारी इस टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट हो गई है। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट्स मिलेंगे। इसमें काफ़ी सारे ग्रेडियंट्स हैं जिसमें आप किसी भी ग्रेडियंट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर जाएंगे मोर ग्रेडियंट्स के ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप काफ़ी सारे ग्रेडियंट्स खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे टेक्स्चर चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, पैटर्न चाहिए या पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन एक साथ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं। ग्रेडियंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें, जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। टू कलर का कॉम्बिनेशन करना चाहें या टू कलर का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, अभी प्रेजेंट का यूज़ करना चाहें तो प्रेजेंट का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से जिस भी ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है उसका सिलेक्शन करके जैसे आप यहाँ ओके करेंगे तो वही कलर आप देखेंगे इसके अंदर फुलफिल हो जाएगा। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर पैटर्न नजर आएंगे। जौन सा पैटर्न आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करके आप जहाँ जैसे ओके करेंगे तो वो पैटर्न आपका यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम वापस से इसको सिंपल कर लेते हैं। पहले सिंपल कोई भी कलर इसके अंदर फिल कर लेते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर शेप आउटलाइन का ऑप्शन है। तो ये बेसिकली जो ऑप्शन है वो बेसिकली आउटलाइन के लिए यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है। इसमें आप आउटलाइन में कोई भी कलर चेंज करना चाहें तो आउटलाइन का कोई कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने रेड कलर का यहाँ पर यूज़ किया तो आप देखेंगे इसकी जितनी भी आउटलाइंस हैं वो सभी रेड कलर में कन्वर्ट हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप नो आउटलाइन का यूज़ करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मोर आउटलाइन कलर्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर बना करके इसको ओके करके उसको आउटलाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको डैशेस दिखाई देंगे। डैशेस में आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एरोज़ की अगर हम बात करें तो एरो का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ है इसलिए ये ऑप्शन हमारा हाइड है। पैटर्न्स की बात करें तो आप चाहें तो इसकी आउटलाइन में भी आप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके यहाँ ओके करेंगे तो वो पैटर्न इसकी आउटलाइन में यूज़ हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चेंज शेप्स की। चेंज शेप पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारी शेप्स के स्टाइल्स हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट को इजीली किसी भी शेप स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी शेप देना चाहें, जो भी एंगल देना चाहें, क्लिक करके आप उसमें इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर शेडो की, तो शेडो का यूज़ करने से पहले मैं इसको वापस से नॉर्मल कन्वर्ट कर लेता हूँ जैसे ये पहले था। तो यहाँ पर हम क्लिक करके कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम वापस से अपना वही फॉर्मेट लेते हैं। बेसिकली ये फॉर्मेट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तो इसके ऊपर ही मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं शेडोज़ की। शेडोज़ को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर कोई भी शेडो यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपकी शेडो आप लेफ्ट या राइट सेंटर जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ पे शेडोज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें से अगर आपने किसी शेडो का यूज़ कर लिया है तो उसके बाद अपनी शेडो को लेफ्ट या राइट यहाँ पर अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। या देखेंगे आपको चारों तरफ से पोजिशन दिखाई देंगी जिसकी मदद से आप अपनी शेडोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3D इफेक्ट आपको दिखाई देगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे 3D के ऑप्शंस नजर आएंगे जिसमें आप अपनी टेक्स्ट को किसी भी 3D ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया।
इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर 3D कलर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें आप इसके बैक साइड 3D का कलर चेंज कर सकते हैं। जो 3D का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डेप्थ की अगर हम बात करें तो डेप्थ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने 72 PT लिया हुआ है तो उसे अगर आप यहाँ पर 36 लेंगे तो इसकी मोटाई आप देखेंगे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से इसकी जो भी डेप्थ है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डायरेक्शंस मिलेंगे, इसमें से किसी भी आप डायरेक्शन को यहाँ पर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लाइटिंग्स की अगर हम बात करें तो आप अपने इस 3D के ऑप्शन के ऊपर लाइटिंग कहाँ से देना चाहते हैं वो लाइटिंग्स यहाँ पे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो सेंटर में इसमें लाइटिंग आ रही है। नीचे से आप लाइट देना चाहें, सेंटर से लाइट देना चाहें, टॉप से लाइट देना चाहें, तो जिस तरफ से आप लाइट देना चाहें उस पर क्लिक करेंगे उसी तरफ से इसके अंदर लाइटिंग आपको दिखाई देगी। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो इसका सरफेस है, सरफेस को आप कितना अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, सरफेस को कितना रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो इसका सरफेस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 3D को रोटेट करना चाहते हैं चारों तरफ पोजीशन में अपने हिसाब से, तो उसके लिए भी आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो 3D ऑप्शन है ये चारों तरफ यहाँ से रोटेट हो सकता है, इसको आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पोजीशन की, तो यहाँ पर आप पोजीशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका पेज है और पेज के हिसाब से आप जिस पोजीशन पर अपने डाटा को रखना चाहते हैं, जिस पोजीशन पर आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पोजीशन था यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ड रैप की, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ के लिए मैंने आपको वही बता रखा है, आपको टाइप करना है इक्वल टू RAND रैंड लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना और प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे पैराग्राफ्स आ जाएंगे, इस पैराग्राफ को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हम इस टेक्स्ट को जहाँ भी मूव कर रहे हैं या बड़ा या छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा इसके पैराग्राफ के हिसाब से। तो इस पर वापस से हम डबल क्लिक करते हैं, टूल्स वापस से खुल गए हमारे। रैपिंग्स की अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने रैप टेक्स के बारे में अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। बेसिकली ये शेप पे भी काम करता है, पिक्चर्स पे भी काम करता है और वर्ड आर्ट के ऊपर भी ये काम करता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर इनलाइन विद टेक्स की, तो इनलाइन विद टेक्स जैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे इसकी जो स्टार्टिंग हुई है इस लाइन से हिसाब से स्टार्टिंग हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट स्क्वायर्स की, तो यहाँ पर जैसे हम स्क्वायर ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो इसे हम कहीं पर भी लेकर मूव करेंगे तो आप देखेंगे इसने अपने आप स्क्वायरली स्पेस अपना बना लिया है, यानी जहाँ पर भी हमारा ये टेक्स्ट लिखा होगा उसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली स्क्वायर स्पेस यहाँ पे दिखाई आपको दे जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर टाइट का एक ऑप्शन है, टाइट का मतलब आपका जो टेक्स्ट होगा जैसा भी होगा वो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से आपका टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। थ्रो की अगर हम बात करें तो इसे आप कहीं भी ऊपर या नीचे मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक अपना स्पेस बनाता चला जाएगा। टॉप एंड बॉटम की अगर हम बात करें तो टॉप या बॉटम में आपके टेक्स्ट रहेगा, बाकी इसके लेफ्ट या राइट में कोई भी टेक्स्ट ये अपने आसपास रखने नहीं देगा। बिहाइंड टेक्स्ट की बात करें तो यह टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, जो भी आपने पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किया हुआ है उसके पीछे आपको ये दिखाई देगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट की बात करें तो ये आपको टॉप पे दिखाई देगा, यानी आपका जो टेक्स्ट होगा वो इसके पीछे छुप जाएगा। एडिट रैप पॉइंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स नजर आएंगे, जिसमें से किसी भी पॉइंट को आप पकड़ करके जैसे आप जहाँ पर भी ड्रैग करेंगे तो उतना स्पेस ही ऑटोमेटिक खाली कर लेगा और उतनी जगह पर आप इसे कहीं भी मूव करेंगे तो अपने आप ये उतना स्पेस अपना बनाकर चलेगा। तो इस तरीके से आप इन सभी रैपिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी आपके काफ़ी सारे लेआउट्स हैं जिसमें से आप इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का एक ऑप्शन। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड एंड सेंड टू बैकवर्ड। इसका यूज़ करने के लिए मैं एक बार सब कुछ पहले से क्लियर कर लेता हूँ और वापस से इंसर्ट टैब में जा करके दोबारा से एक नया वर्ड आर्ट लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने इसी वर्ड आर्ट को फिर से लिया पर हमने कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और वर्ड आर्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फिर से एक और वर्ड आर्ट ले लेते हैं। इंसर्ट टैब में वापस से जाएंगे, वर्ड आर्ट पर जाएंगे और यहाँ से हमने दूसरा कोई भी स्टाइल हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं लाइक एक्सेल इन्फोटेक और उसके बाद कर दिया हमने ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे अब हमारे सामने दो वर्ड आर्ट है। अब दोनों वर्ड आर्ट में से अगर मुझे किसी एक वर्ड आर्ट को इसके पीछे डालना है यानी इसके पीछे भेजना है टेक्स्ट और टाइप के, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेंड टू बैकवर्ड का। जैसे हम सेंड टू बैकवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट हमारा इसके पीछे चला जाएगा और ब्रिंग टू फॉरवर्ड का अगर हम यूज़ करेंगे तो वापस से इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सिलेक्शन पेन्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने शो और हाइड का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको आइज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। मान लीजिए कि आपने दो दो टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं और किसी एक टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि वो आपको दिखाई ना दे तो जैसे ही आप इसके आइज़ पर क्लिक करेंगे तो ये आइज़ आपकी क्लोज हो जाएगी, वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा।
और जैसे ही आप इस पर वापस से क्लिक करेंगे तो वो टैक्स आपको वापस से दिखाई दे जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई कोई भी टैक्स आपको दिखाई ना दे तो यहाँ पर हाइड ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका टैक्स यहाँ पर दिखाई आपको नहीं देगा, और शो ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपका जो भी वर्ड आर्ट का टैक्स था वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का यूज़ आप पिक्चर्स पे भी कर सकते हैं, शेप पे भी कर सकते हैं, और वर्ड आर्ट के ऊपर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद वापस से हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, आते हैं वापस से अपने उसी ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने अलाइनमेंट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं पेज मार्जिन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं अलाइन लेफ्ट, तो जैसे ही आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में एडजस्ट हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ से अलाइन अगर राइट करेंगे या सेंटर करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में या राइट में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे अलाइनमेंट दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के काफ़ी सारे अलाइनमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पेज अलाइन के ऑप्शन है और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसका आप यूज़ करके अपने हिसाब से टेक्स्ट के अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में ग्रुप करना यानी जोड़ना। मान लीजिए अब हमारे पास दो टैक्स हैं, एक टैक्स हमने सेलेक्ट किया हुआ है, शिफ्ट को दबा के रखना है, दूसरे टैक्स पे आपको क्लिक कर देना है। दोनों ही टैक्स हमारे सेलेक्ट हो गए, दोनों टैक्स जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ग्रुप ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके दोनों ऑप्शन ग्रुप हो गए हैं, मतलब अगर आप एक टैक्स को मूव करेंगे तो दूसरा टैक्स अपने आप उसके साथ मूव होगा। तो इसे कहते हैं ग्रुप। इसको वापस से अगर आपको अनग्रुप करना है तो वापस से आपको वर्ड आर्ट टूल पर जाना है और यहाँ पे ग्रुप को सेलेक्ट करके आपको अनग्रुप कर देना है। जैसे आपने इसको अनग्रुप किया तो ये आपका टेक्स्ट वापस से अनग्रुप हो गया। आप इसको अपने हिसाब से जहाँ भी मूव करना चाहें वो मूव कर सकते हैं। अगर आपने एक बार इसको ग्रुप कर रखा है और उसके बाद आपने इसको अनग्रुप कर दिया और उसको कहीं पर भी आपने मूवमेंट करा दिया, यानी किसी टेक्स्ट को इधर या उधर या किसी वर्ड को इधर या उधर कर दिया आपने, और आप चाहते हैं कि अब ये वापस से रीग्रुप हो जाए, तो आपके दोनों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे इसी ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रीग्रुप का। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट फिर से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ग्रुप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें रोटेशंस की, तो यहाँ पर आप इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे अनग्रुप करके चाहें तो आप किसी भी एक टेक्स्ट को यहाँ से रोटेशन दे सकते हैं। जैसे ये देखें 90 डिग्री, 180 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल आप इसे चाहें तो जैसे भी रोटेट करना चाहें वैसे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर साइज़ का आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस साइज़ को आप अपने हिसाब से जितने जैसे क्लिक करेंगे हाइट या विड्थ आप यहाँ से अपने हिसाब से इसकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जिसको जितना भी आप बड़ा या छोटा करेंगे उतना बड़ा या छोटा आपका साइज़ यहाँ पर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं कि आप एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर दो तरीके का ड्रॉप कैप यूज किया हुआ है। इसका मोस्टली आपने यूज देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर, जो भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें आपने ड्रॉप कैप का यूज देखा होगा। तो इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं आज मैं वो क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि MS Office, CorelDRAW, Photoshop, TelePrime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम इन सभी डाटा को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपको एक कमांड डालनी है, RAND लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस करना है एंटर। इसकी जगह पर आप अपना कोई डेटा भी ले सकते हैं जिसमें आप ड्रॉप कैप का यूज़ करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे ड्रॉप कैप ऑप्शन अभी प्रेजेंट टाइम में हाइड है, अभी ये शो नहीं हो रहा। ये शो तब होगा जब हम किसी पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पहले पैराग्राफ पर यहाँ पर क्लिक कर दिया, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा ड्रॉप कैप यहाँ पर हाईलाइट हो गया। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने तीन तरह के ड्रॉप कैप्स आपको दिखा रहा है, जिसमें सबसे पहला है नन कि आप इसमें ड्रॉप कैप का यूज़ नहीं करना चाहते हैं। दूसरा आप देखेंगे ड्रॉपिड है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका ड्रॉप कैप यहाँ पर यूज़ हो गया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर इन मार्जिन है, यानी ये मार्जिन के हिसाब से आपका ड्रॉप कैप यूज़ होता है। तो सबसे पहले इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपका ड्रॉप कैप यहाँ पर यूज़ हो गया। सेकंड पैराग्राफ को क्लिक करके अगर मैं यहाँ पर दूसरा ड्रॉप कैप यूज़ करके आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली मार्जिन के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। इसका मार्जिन अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ से आपका डाटा हटकर है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ड्रॉप कैप यूज़ होगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉप कैप ऑप्शन का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे
तो वही तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ आपकी सेटिंग्स हैं जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बात करें फॉन्ट की, तो यहाँ पर जो भी फॉन्ट हमारा अभी आ रहा है उसका नाम है प्लस बॉडी। इसके अलावा अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपको कुछ फॉन्ट यहाँ पर दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर हेडिंग CS ले लिया, हेडिंग CS लेने के बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे इसमें हल्का सा चेंज आया है। मैं कोई दूसरा फॉन्ट लेकर के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इसमें चेंजेस समझ में आए। तो यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ से हम कोई दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जूस करके एक फॉन्ट है वो सिलेक्ट किया और जैसे ही हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे फॉन्ट का स्टाइल आपका यहाँ पर बदल गया। कंट्रोल सेट करने के बाद हम पीछे चले जाएंगे और उसके बाद फिर से इसी ऑप्शन पर हम जाएंगे, ड्रॉप कैप ऑप्शन पर, और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा लाइन टू ड्रॉप। अब इसका यूज़ कैसे किया जाएगा, तो इसका यूज़ करने के लिए हम पहले वाले ड्रॉप कैप पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी फिलहाल हमने तीन पैराग्राफ्स का यहाँ पर ड्रॉप कैप का यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए, ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर 3 की जगह आप यहाँ पर 2 कर दीजिए। 2 करने के बाद जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका ड्रॉप कैप यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन को कवर कर रहा है, 3 लाइन्स को कवर नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप जाके देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, यानी आपका जो ड्रॉप कैप है वो टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल 0 लिया हुआ है, अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 ले लिया। 4 लेने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसके डिस्टेंस को आप यहाँ से ईजिली मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम 0 रख करके ओके कर देते हैं। तो आपने देखा इस तरीके से ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक सिग्नेचर क्रिएट किया हुआ है जिसको आप अपने MS वर्ड में सेव करके रख सकते हैं और जब भी जहाँ भी चाहें आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई बुक क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई लेटर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आपको अपने इस सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बार बार आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप MS वर्ड में इसको सेव करके रख सकते हैं और जहाँ भी चाहें जब भी चाहें आप इसको 1 क्लिक से इंसर्ट कर सकते हैं। हालाँकि MS वर्ड भी हमें एक ऑप्शन देता है जिससे हम डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऐड अ सिग्नेचर लाइन का, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें हमें सबसे पहले साइन इन करना पड़ता है। साइन इन करने के बाद ही आप इस सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हैं और ये हमें सर्टिफाइड करता है कि आप एक माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर हैं, तभी आप इस डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हैं। मैं सिग्नेचर का भी आपको यूज़ दिखाता हूँ कि आप बिना साइन इन करें आप किस तरीके से इसका सिग्नेचर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इस तरीके का सिग्नेचर बनाकर अपने MS वर्ड में सेव करके रखना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में आप जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिग्नेचर लाइन का एक ऑप्शन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिग्नेचर सेटअप। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पर विनोद कुमार पांडे। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया मैनेजर, और मैनेजर डालने के बाद यहाँ पर आपके सामने ईमेल आईडी का ऑप्शन है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी डालना चाहें यहाँ पर तो आप डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको सिंपली ओके बटन पर प्रेस करना है। और ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक सिग्नेचर क्रिएट हो जाएगा, बट ये अभी सर्टिफाइड नहीं है क्योंकि हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन नहीं किया हुआ है। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की। तो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है यहाँ इंसर्ट टैब में और यहाँ पर सबसे पहले आपको शेप में जाना है और शेप में यहाँ पर आपको एक लाइन क्रिएट करनी है। लाइन लेने के बाद आपको यहाँ पर लाइन को क्रिएट कर लेना है। जैसे आप लाइन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने लाइन्स के काफ़ी सारे फॉर्मेट दिखाई देंगे जिसमें से आप कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर लीजिए, जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर विनोद कुमार पांडे, और उसके बाद इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। बोल्ड होने के बाद इस वाली लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ये एरो दिखाई देगा। इस एरो को सिलेक्ट करने के बाद आपको एरो से नीचे की तरफ आना है, अपने कीबोर्ड का एरो का यूज़ करना है और इसकी मदद से आपको नीचे आकर के इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। इस लाइन को एडजस्ट करने के बाद इसके नीचे फिर से आपको आना है। इसके नीचे आने के बाद यहाँ पर आप अपनी पोस्ट यानी डेजिग्नेशन को टाइप कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ वेबसाइट डेवलपर। वेबसाइट डेवलपर आप देखेंगे बोल्ड है, तो इसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ से बोल्ड को हटा देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे फिर से हम, और इसके नीचे आपको अपनी कंपनी का नाम टाइप कर लेना है, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एक्सेल
इन्फोटेक, पीवीटी यानी प्राइवेट, एलटीडी यानी कि लिमिटेड। इसके डालने के बाद अब बात करते हैं यहाँ पर सिग्नेचर की, आप सिग्नेचर को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सिग्नेचर को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको एक वाइट पेपर पर सिग्नेचर अपना कर लेना है। उसके बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिस्टम में उसको अपलोड कर लेना है। और उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपको पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिस डिवाइस पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने अपना सिग्नेचर रखा हुआ है वहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कर देना है इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका सिग्नेचर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसे कॉर्नर से पकड़ करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिग्नेचर को एडजस्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर इसको सिग्नेचर को रख लेते हैं। अभी आप देखेंगे मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिट हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर जाएंगे हम लोग टेक्स्ट रैपिंग पर और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का यूज़ करने के बाद इसको हम सिग्नेचर को यहाँ पर ले आएंगे। लाने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से और इसको जितना भी बड़ा या छोटा करना है आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इसका जो कलर है उस कलर को हमें मैच कराना है बिल्कुल इसके बैकग्राउंड से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर फॉर्मेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा और इसके अंदर आपको यहाँ पर कनेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। करेक्शन पर आपको क्लिक करना है। करेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर व्हाइट कलर का करेक्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें से जो भी आप करेक्शन सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर और उसके बाद आप देखेंगे आपका जो सिग्नेचर है वो थोड़ा सा लाइटली है। इसको डार्क करने के लिए वापस से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आर्टिस्ट इफेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कलर्स पर जा करके आप इसे थोड़ा सा और भी डार्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें उस ऑप्शन को यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा और आपका डार्क हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने सिग्नेचर को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट करने के बाद आप अपने इस डेटा को किस तरीके से एमएस वर्ड में सेव कर सकते हैं उसे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सभी डेटा को एक साथ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है क्विक पार्ट गैलरी पर। क्विक पार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको लेना है ऑटो टैक्स। ऑटो टैक्स लेने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टैक्स गैलरी। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ से नाम मांगेगा, तो नाम आप यहाँ पर जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ विनोद सिग्नेचर और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको जब भी ये सिग्नेचर रिप्रेजेंट कराना है तो आपको सिर्फ जहाँ पर रिप्रेजेंट कराना है वहाँ पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाना है, वापस से ऑटो टैक्स ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑटो टैक्स के अंदर हमारे सिग्नेचर का यहाँ पर सिंबल आपको दिखाई देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका सिग्नेचर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मैं इसको सब कुछ क्लियर करके एक बार आपको दोबारा से इंसर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नया पेज ले लिया और यहाँ पर अगर मुझे अपना वो सिग्नेचर इंसर्ट कराना है तो इसके लिए मैं वापस से जाऊँगा क्विक पार्ट ऑप्शन पर। क्विक पार्ट ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर ऑटो टैक्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा विनोद सिग्नेचर का एक बॉक्स। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरा वो सिग्नेचर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हैं कि आप एमएस वर्ड 2019 के इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ब्लॉक ऑप्शन के अंतर्गत इंसर्ट डेट एंड टाइम ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्सर हमें डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उन्हें ऑटोमेटिकली कैसे अपडेट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट के हर पेज पर उन्हें ऑटोमेटिकली कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर और इंसर्ट में आपको यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही डेट एंड टाइम ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए। जैसे ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ ऊपर की तरफ जो भी फॉर्मेट आपको दिखाई देगा वो सिर्फ डेट का फॉर्मेट होगा और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके टाइमिंग का फॉर्मेट है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर आपका डेट और टाइम दोनों ही एक साथ आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा डेट और टाइम दोनों ही यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका डेट और टाइम हिंदी में आपके सामने रिप्रेजेंट हो तो उसके लिए भी आपको इसी ऑप्शन पर वापस से क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक लैंग्वेज का ऑप्शन। इस लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हिंदी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। हिंदी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आ जाएंगे जिस फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा वो डेट यहाँ पर इंसर्ट हो गया हिंदी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अपने डेट और टाइम को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, यानी जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो आपका डेट और टाइम यहाँ पर आपको अपडेटेड मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सीधे इसी ऑप्शन पर फिर से जाना है। इसी ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी डेट का एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है और फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट ऑटोमेटिकली का, इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद जैसे आप इसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेट और टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और इसके बाद हम इस फाइल को यहाँ पर सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस दबाने के बाद यहाँ पर हम फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पर आप फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया डेट एंड टाइम और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ। सेव करने के मैं कुछ मिनट बाद इसको फिर से ओपन करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि ये डेट और टाइम कैसे अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों हमें 3-4 मिनट हो चुके हैं फाइल को सेव किए हुए, अब हम फिर से उस फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है, यहाँ पर विनवर्ड टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी रिसेंट फाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। इस फाइल पर हम क्लिक करेंगे। फाइल को ओपन करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो डेट और टाइम था वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। डेट बेसिकली वही है क्योंकि हमने कोई अगले डेट पर इसको ओपन नहीं किया हुआ है, हमने सेम डेट पर इसको ओपन किया है। टाइम की अगर हम बात करें तो उस समय हमारा जो टाइम था वो 12:11:13 था और अब आप देखेंगे 12:16:18 हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल के डेट और टाइम को ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपने काफ़ी सारे पेजेस लिए हुए हैं और सभी पेजेस पर आप इस डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे, तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले इस डेटा को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। इसको टोटल सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट बटन दबा देंगे और उसके हेडर वाले पार्ट पर आकर दो बार हम क्लिक करेंगे। जैसे हम हेडर पार्ट पर दो बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर हेडर एंड फुटर का एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा और इस टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेट एंड टाइम का। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ से आप सेम उसी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आप यहाँ पर चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने उसी फॉर्मेट को फिर से सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देखेंगे आपका अपडेट ऑटोमेटिकली का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर चेकमार्क है। आप इसे अगर ओके रखेंगे तो यहाँ पर ये डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक अपडेट होगा और अगर आप इसे हटा देंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे अभी हमारा डेट और टाइम यहाँ पर फर्स्ट पेज पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पर कुछ और पेजेस इंसर्ट कर लेता हूँ तो इसके बीच में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे पेज ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड पेज पर भी हमारा जो डेट है वो यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है। इसी तरीके से आप जितने भी पेजेस यहाँ पर लेंगे उन सभी पेजेस पर आपका डेट और टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेट और टाइम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ब्लॉक ऑप्शन के अंतर्गत ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में रहते हुए अलग अलग सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर एक्सेल शीट इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई भी वीडियो या कोई पीडीएफ फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा यदि आप किसी पीडीएफ फाइल में या फिर किसी अदर एक्सटेंशन फाइल के अंदर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो उस फाइल को भी आप एमएस वर्ड में इस ऑप्शन की मदद से इंसर्ट करके उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यह सब आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। बेसिकली ये वो सभी ऑप्शन हैं जो कि एप्लीकेशन आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखे हैं, यानी आपने अपने सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं वो सभी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जिस भी एप्लीकेशन को आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आपको सिंपल क्लिक करना होगा और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। उससे पहले यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे डिस्प्ले एज आइकन का, तो आपको उस एप्लीकेशन का यहाँ पर आइकन दिखाई देगा जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसको इंसर्ट करने से पहले आपको यहाँ पर चेक मार्क को यहाँ पर हटा देना है और उसके बाद बिटमैप इमेज को सेलेक्ट करके और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका यहाँ पर एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पेज के साइज़ को अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और इसके अंदर आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एलिप्स लिया और एलिप्स यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ से कोई भी कलर बकेट लिया और यहाँ से कोई भी कलर फिल इसके अंदर कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं एमएस पेंट को यहाँ पर क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे हमारा जो डिज़ाइन था, जो हमने डिज़ाइन एमएस पेंट में किया था, वो आपको यहाँ पर एमएस वर्ड में दिखाई देने लग जाएगा। अगर आप इसमें फिर से कोई चेंजेस करना चाहते हैं आपको सिर्फ इस पे जा करके डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका वो एप्लीकेशन फिर से यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप जो भी चेंजेस एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो चेंजेस करके जैसे आप इसे कट करेंगे वो चेंजेस आपको यहाँ पर देखेंगे रिप्रेजेंट मिलेगी। इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक एप्लीकेशन और आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इसको मैं कंट्रोल ए करके पहले डिलीट कर देता हूँ। वापस से इंसर्ट टैब में जाना है, ऑब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हम सर्च करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे आपको जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपके पावर पॉइंट के ऑप्शन हैं। और सबसे ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट वन, यानी कि ये बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है वो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप पावर पॉइंट को ओपन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक टाइटल पर क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी टाइटल यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। उसके बाद अगर आपको न्यू स्लाइड लेनी है तो यहाँ पर स्लाइड पर जा करके जैसे आप ब्लैंक स्लाइड या न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो स्लाइड ओपन हो जाएगी। मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ लाइक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपने जितनी भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाई है अगर आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको एक बार यहाँ पर बाहर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे आपका एमएस वर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आकर के फिर से डबल क्लिक करना होगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी और एरो की मदद से आप प्रेजेंटेशन को आगे या पीछे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप स्कैप बटन दबाएंगे तो वापस से आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर हट जाएगी। और अगर आप इसमें फिर से कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट का। आप जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रेजेंटेशन वापस से यहाँ पर ओपन हो जाएगी और फिर से आप इसमें कुछ भी टाइटल या कुछ भी ऐड करना चाहें तो इजीली आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इन सभी ऑप्शंस का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक्सेल में अगर आप काम करना चाहते हैं, यानी एमएस वर्ड में रहते हुए आप एक्सेल पर काम करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको प्रॉपर कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ इसको डिलीट। डिलीट करने के बाद वापस से इंसर्ट टैब में फिर से ऑब्जेक्ट पे आपको जाना है और यहाँ से हमें सर्च करना है एक्सेल स्प्रेडशीट। नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसको सेलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेल आपका ओपन हो गया। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट वन, यानी ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपको टूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सभी टूल्स आपके एमएस एक्सेल के हैं। अब इसमें आप कोई काम करना चाहते हैं तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सेल का पूरा फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद जैसे आप बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल यहाँ से हट जाएगा, वापस से आपका एमएस वर्ड आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसमें फिर से कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आकर के आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे वापस से आपका एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा और फिर से आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपको वापस से उसी ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट फ्रॉम फाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पर।
और यहाँ से आपको अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमने डी ड्राइव को यहाँ पर सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ जा करके हमारी जो भी वीडियो हमें इसमें इंसर्ट करनी है उस वीडियो को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। इंसर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वीडियो का आइकन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर आप इस वीडियो को प्ले करना चाहते हैं तो आपको इस आइकन पर आना है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही दो बार आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो वीडियो थी वो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वीडियो को भी आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पीडीएफ फाइल को या किसी भी अदर एक्सटेंशन की फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसे आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर कंट्रोल ए करके डिलीट कर लेते हैं, पूरे डेटा को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर वापस से आपको इंसर्ट टैब पर जाना है और यहाँ पर आपको वापस से ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑप्शन के जस्ट बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। इस ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक करना है। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपकी जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड्स के अंदर है, डाउनलोड में हम जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट वाली फाइल को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। आप देखेंगे ये हमारी जो फाइल है वो पीडीएफ है, इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इंसर्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नोटिफिकेशन आपके सामने रिप्रेजेंट होगी जिसे आपको सिंपल यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका जो वो डॉक्यूमेंट था, जो पीडीएफ फाइल थी, वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद अगर आप इस पीडीएफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे कोई भी चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस पीडीएफ फाइल को वापस से पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना है वापस से फाइल वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन। एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस फाइल। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इस फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया और हम इसी नाम से इसको सेव कर देंगे तो इसके लिए आपको पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ में वापस से सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और इसके बाद मैं दिखाता हूं आपको कि अगर कोई अदर फाइल, नोटपैड फाइल या वर्डपैड फाइल या किसी भी एक्सटेंशन की फाइल को आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एक वापस से नया पेज ले लेते हैं, इंसर्ट टैब में फिर से चले जाते हैं, वापस से उसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ से आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वन की फाइल को सेलेक्ट किया। डॉक्यूमेंट वन की फाइल सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उस फाइल के अंदर हमने ये एक्स नाम का सिग्नेचर बनाया था जो हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।